अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि यार हम ना अपने छत की सफाई करें, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है, आपको पता है। और आज मैंने अपने कज़न को और अपने छोटे भाई को बुलाया कि यार छत पर गंद बहुत ज़्यादा है, तो साथ मिलकर हम सफाई करते हैं, क्योंकि सफाई करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यार परिंदे फिर बीमार हो जाते हैं, और हमारे परिंदे बीमार हो भी रहे हैं। तो इस वजह से मैंने फिर आज ठान लिया है कि हम आज वीडियो की शुरुआत अपने इस छत की सफाई से करेंगे। तो चलें दोस्तों, शुरू हो जाते हैं अपने अपने कामों पर। तो चलो जी, और ये मेरी झाड़ू दोस्तों, ये देखें, ये मेरी झाड़ू, और ये साथ में कज़न की झाड़ू, ये मेरी झाड़ू। और पूरी छत की सफाई करनी है, डरबों की सफाई करनी है, और साथ में मेरा छोटा भाई कैमरामैन, क्योंकि यार रिकॉर्डिंग भी तो करनी होती है ना। तो चले हैं, स्टार्ट करते हैं, अपने काम पर लगते हैं दोस्तों। जी यार, इनको हम पहले निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि इनके दर्दों की सफाई हमने करनी है, और बहुत ज्यादा गंदा हुआ पड़े, आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, और मैंने बोला है कि यार अब तुम कर लो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ऊपर वाला डर भी साफ़ किया है और नीचे करने लग गया था, तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। तो थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूँ, और कैसे न बहुत ज़्यादा छत का बुरा असर हुआ पड़ा था। तो अभी सिर्फ हमने डरबे को साफ़ किए हैं, और ये हम ग्विना फॉल का अभी डरबे साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि ग्विना फॉल बाहर तो निकलती नहीं है। अगर इनको बाहर निकालेंगे तो ये उड़ के चली जाएंगी। तो फिलहाल हम ग्विना फॉल को बाहर नहीं निकाल रहे, और इनके डरबे की भी सफाई हम नहीं कर रहे। तो फिलहाल हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है यार। बहुत ज़्यादा गर्मी है, और काफ़ी बहुत ज़्यादा हाँ भाई साहब, कैसा फील हो रहा है? थका दिया बहुत ज़्यादा यार, थक गए हैं। अभी काम रहता है दोस्तों, आधी छत हमने साफ़ कर ली है, और अभी मास्टर केज भी रहता है, और छत भी थोड़ी सी रहती है, तो वो भी हम शुरू करते हैं। अभी हम नीचे से आए थे, कचरा वगैरह डाला है। अच्छा अच्छा, तो चलें करते हैं, फिर झाड़ू उठाते हैं। यार एक मिनट, मैं ज़रा बाहर देख लूँ, दरवाज़ा बज रहा है कब से।
तो ये मेरे ख्याल में इसको दे दे दो, मुझे दे दो। तो चले मैं सफाई करता हूँ, फिर वो भी आ जाएगा। तो चले जी हम लगते हैं फिर काम पर। ये बांस के टुकड़े दोस्तों ये हमारे समझे वेस्ट हो चुके हैं, काफ़ी दिनों से नहीं लग रहे। आपको दिखाया था पहले लेकिन हमने कोई तरीका नहीं आ रहा कि किस तरीके से हम इनको लगाएं। तो चले मैं सफाई करता हूँ, अब इधर जाता हूँ। ये सारी कचरा है ना इसको मैं... क्या है, क्या हुआ, क्या हुआ यार, ये हुए हुए हुए। बच्चा आया उसने आगे बोला, बाइक बाइक वाला गया अभी। चलो 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 चलो, कुछ नहीं है, हम आ रहे। ये है ना बाइक निकलेंगे इसे अभी। और ये देखो, हुए हुए कैसे, क्या अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। ये यार बाइक ही उसके ऊपर आई होगी, और क्या, ये देखो निशान भी है बाइक के, बच्चा बता रहा था। और ये अपनी है ना मुर्गी यार, हमारी मुर्गी है यार ये। ये बाइक के नीचे आई, वो निकल गया बंदा। बस क्या कह सकते हैं जी, चलो यार अल्लाह की मर्जी। सही है, नहीं ये अचानक हुआ सब, जा रही तो अच्छी खासी थी ना। सफाई अब मैं नहीं कर सकता, ऊपर नहीं जा सकता, मेरा दिल मुरझा सा गया है। तो ये हमारी मुर्गी थी जो अब हमें दोस्तों छोड़ के चली गई है, बेचारी बाइक के नीचे आ गई। और पता नहीं वो कौन था जिसने इसको अपनी बाइक के नीचे दे दिया। तो मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द।